तो वापस से टाइप वन पे आते हैं। टाइप वन पे कैसे सॉल्व करना है हमको इस इक्वेशन को। तो टाइप वन था आपका dy by dx plus py is equal to q। इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम दोनों साइड एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से gx, और gx क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो लेट से हमने gx से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा आपके पास, gx into dy by dx plus p times gx times y is equal to q times gx। और gx हमें एक ऐसा फंक्शन चूज करना होता है, ठीक है, आपको gx इस तरह चूज करना है कि चूज gx such that जो आपकी राइट हैंड साइड है becomes derivative of y into gx। हम gx इस तरह चूज करेंगे जिससे हमारी राइट हैंड साइड y into gx का डेरिवेटिव बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप देखते जाएं बस। तो फिर क्या इक्वेशन हो जाएगी देखिए जरा, ये हो जाएगा gx into dy by dx plus p into gx into y, इसको मैं लिख लूंगा dy dx of y into gx, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, gx into dy by dx plus p times gx into y, इसको uv रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं हम। मान लेते पहले हमने gx कांस्टेंट रखा, into dy by dx कर दिया, फिर हमने y को कांस्टेंट रखा, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ये बन गया g dash x, ये बन गया g dash x। और आप देखेंगे आपका ये वाली टर्म दोनों तरफ कट जाएगी, ठीक है। तो gx into dy by dx दोनों तरफ कट चुका है, तो आपको कुल मिला के ये बचा है, इसको हम लिख लेते हैं अब आगे। तो इक्वेशन था वो जो रह गया वो ये है, p into gx into y is equal to y times g dash x, दोनों तरफ आप y भी काट सकते हैं, कुल मिला के बचेगा p is equal to g dash x upon gx, p is equal to g dash x upon gx। और दोनों साइड यदि हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, p dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ g dash x gx dx। इससे आप लिख पाओगे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx is equal to, ये आप नीचे को t मानोगे तो ऊपर dt बन जाएगा, तो log mod t का आएगा आपका, तो ये बन जाएगा log of mod gx। उससे निकल के आएगा कि जो gx की वैल्यू होगी mod gx की, वो होगी आपकी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। हाँ, आप यहाँ पे c लगा सकते हैं प्लस c, पर ये मैं प्रूव करूंगा कि ये c से फर्क पड़ेगा नहीं आगे, यानी आपका जो gx होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस c, यानी ये बन जाएगा gx इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस माइनस c। प्लस माइनस c को आप एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, यानी ये हो जाएगा gx इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं लेट से कुछ c1। यानी हमें gx को हमेशा इस तरह से डालना है, ये gx आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी gx आपका होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। और आप तो चेक करके देखेंगे कि कांस्टेंट से फर्क पड़ेगा नहीं आपके सवाल में, ठीक है। और इसको आप माइनस प्लस के साथ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा केस लेके दिखा रहा हूं पहले। तो एक केस ऐसा भी बनेगा जहां पे gx की वैल्यू केवल ये होगी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहां पर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है, एक कांस्टेंट फैमिली ऑफ कर्व्स है। एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व्स में एक फैमिली ऐसी भी आएगी, एक मेंबर ऐसा भी आएगा फैमिली का जहां पर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगी और ये साइन प्लस का होगा, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द वैल्यूज होगा gx का। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यानी ये आपका gx होगा, ठीक है, और इसको आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के। gx किस काम आता है, gx दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के काम आता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका नाम होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, कई बार शॉर्ट में इसको IF बोलते हैं। ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का काम आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे काम आता है। तो सॉल्व करके देखते हैं जरा। तो टाइप वन की को सॉल्व करके देखते हैं, उसमें क्या था, dy by dx plus p times y is equal to q था। अब मैं यहां दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। gx क्या था, मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर था, यानी वो क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यदि मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, उससे क्या मिलेगा मेरे को, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy by dx प्लस p टाइम्स
ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड पे गौर फरमाओ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। इसको यदि आप फर्स्ट फंक्शन मानो और वाई को आप सेकंड फंक्शन मानो, क्या हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर टू एक्स इंटू टू। तो ये क्या हुआ? ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। ऊपर वाली चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? पी का इंटीग्रेशन वो है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पी होगा, यानी वो ऐसे आएगा। ठीक है, यानी क्या है ये एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय ई की पावर पीडीएक्स। आया समझ में? कैसे किया मैंने ये? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई कॉन्स्टेंट रख लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो ई की पावर पीडीएक्स तो वैसा का वैसा रहा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पीडीएक्स का फिर से करना पड़ेगा। सोचो पी का इंटीग्रेशन वो है इंटीग्रेशन पीडीएक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? पी तो होगा। ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो ये क्या है? पी का एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पी होगा, यानी पी इंटू ये आएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से मैंने लिख लिया, ये हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और आप उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। और ये हमेशा होगा कि आपका हमेशा ये एक यूवी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमेशा होगा इस तरह की इक्वेशंस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस डीएक्स को उधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स। इस डीएक्स को मैं उधर ले गया, इस डीएक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा ये बन गया। ठीक है, तो अब मैं वाई निकाल सकता हूँ, सॉल्व हो गया मेरा इक्वेशन। मेरे को ये राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और जो यहाँ पे फैक्टर है उसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो मेरा वाई की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। यानी वाई जो बचेगा मेरे पास जो था वो मेरा इधर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि सब जनरल टर्म में छोड़ा हुआ है, ई की बार इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा कैसा छोड़ा हुआ है। असलियत में आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको आसान लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ एक। ठीक है, इस पे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। आपको इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो जरा मेरे साथ देखें पहले इस सवाल को। अब मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ इस इक्वेशन को। अगर मैं दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या किया, दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो। अब ये मेरी जो इक्वेशन बनी है ये क्या है? ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट, क्यों इक्वेशन है ये? क्योंकि किस फॉर्म की है? ये फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी और क्यू क्या है? दोनों ही फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। अब इस केस में जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा? जो इंटीग्रेशन फैक्टर है आई एफ वो होगा आपका ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है यहाँ पे। और इसका मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है एक्चुअली? ई की पावर पी की वैल्यू क्या है? टू अपॉन एक्स, यानी यहां रखूंगा मैं टू अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। टू तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? लॉग मॉड एक्स। ये बन जाएगा लॉग मॉड एक्स, यानी ई की पावर टू बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड एक्स। इस टू को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, क्या बन जाएगा? मॉड एक्स का स्क्वायर।
मॉड एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। मैं जब स्क्वायर कर दिया तो मॉड का मतलब ही क्या बचा, वो तो स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी सही, यानी ये बन जाएगा मेरा e की पावर log x स्क्वायर। यही मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, e की पावर log टू द बेस e समथिंग क्या हो जाएगा, ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जो ये e की पावर log टू द बेस e एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहां पे जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप जो बड़ी चौड़ी टर्म देख रहे थे ना, जो मैं आपको जब डेरिवेशन करा रहा था, वो एक्चुअली इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन गया, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बन गया। हर अलग अलग केस में अलग अलग बनेगा, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन हमारी आई है ये वाली, ये जो मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया इक्वेशन, इसको हमें दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फैक्टर से। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डीएक्स प्लस क्या था, टू अपॉन एक्स था पी, और क्या था, इंटू एक्स स्क्वायर था जो हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू क्या है, वाई है, पी वाई था ना, पी क्या था आपका टू अपॉन एक्स, वाई आपका पहले से था, हमने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी एक्स्ट्रा, इधर क्या था आपका एक्स था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैंने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और आप अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को देखना है वो क्या बन रहा है, ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर पर आप फर्स्ट फंक्शन मानो, वाई को आप सेकंड फंक्शन मानो, क्या है ये, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। यानी क्या बन जाएगा ये, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखूं चाहे वाई इंटू एक्स स्क्वायर लिखूं एक ही बात है। यानी ये बन जाएगा, ये हमेशा ही होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑल राइट। अब आप क्या करेंगे, डी एक्स से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बन जाएगा इधर डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लूंगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स क्या होगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक कॉन्स्टेंट भी आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड कर लूंगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने पे क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, जिसमें कितना है, एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है सी। मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं दोनों साइड, क्योंकि एक्स मेरा जीरो नहीं है। तो इस तरह हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो आपको जो भयानक सी टर्म्स लग रही थी इंटीग्रेशन फैक्टर वाली, वो काफी आसान सी दिख रही होंगी आपको इस एग्जांपल के बाद। तो यानी कहने का मतलब है, इंटीग्रेशन फैक्टर आपको पहले से सॉल्व कर लेना है, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन फैक्टर आया कैसे, हालांकि वो मैं ड्राइव कर चुका हूं पहले, बट आपको सवालों में केवल क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर को लिखना है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ऑल राइट। एक और सवाल करते हैं इसी कैटेगरी पे, कि फाइंड इट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको आप अरेंज करके देखें कैसी बन रही है, ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे आप कंपेयर कर लें, यही आया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये कैसी कैसी फॉर्म है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, टू एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, करिए, ये बन जाएगा ई की पावर लॉग मॉड एक्स की पावर माइनस वन, यानी बन जाएगा वन अपॉन मॉड एक्स। इसको आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स को कुछ साइन मानना पड़ेगा पहले। अगर हम मॉड को जरा कुछ देर के लिए एज्यूम करें कि पॉजिटिव ही है वो चीज़, ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू टू। अगर वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्या है ये, फर्स्ट फंक्शन वन अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी क्या बन जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, राइट। यानी क्या बन जाएगा ये सॉल्व होके बन जाएगा वाई इंटू वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन टू डी एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस सी। यानी वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ध्यान दें, जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाते हैं आपको तुरंत सी लिखना चाहिए। अगर मान लो आप सी लिखना भूल गए, आप क्या कर दोगे, बस टू एक्स कर दोगे, फिर आप फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा,
टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पर आंसर क्या है सी एक्स। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में सी लगाना है, पहले वाई सॉल्व कर लेता हूं, लास्ट में सॉल्व आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी जोड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे ही आपने पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व किया टू एक्स, उसके आगे सी लगा दिया आपने, जिससे आपका जब मंडीता करोगे आप उसमें सी आना चाहिए सी एक्स में, ये ध्यान रहे इस बात, देखिए ध्यान रखें इस बात का। तो ये तो सिंप्लीफाइड हो गया, बट हमें देखना ये कि जब एक्चुअल में जब मॉड लगा रहेगा तो कैसे करना है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। थैंक यू।